हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है पुर्तगाल वर्सेस बेल्जियम 0-1, ऑल गोल्स एंड एक्सटेंडेड हाईलाइट्स यूरो 2021 HD। यूरो 2020 का ऑफिशियल चैनल है, इसका मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जंप मारी है उससे, गोल बच गया इनका। क्या बात है,
विश्व की नंबर एक रैंकिंग की टीम बेल्जियम ने रविवार को खेले गए मैच में रोनाल्डो को गोल नहीं करने दिया, जो पुर्तगाल को बहुत भारी पड़ गया। अंतिम सीटी बजते ही रोनाल्डो की निराशा स्पष्ट दिख रही थी। उन्होंने कप्तान का जो आर्म बैट था वो भी नीचे फेंक दिया गुस्से में। रोनाल्डो को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड बनाने का केवल एक गोल की ज़रूरत थी। वह ईरान के स्ट्राइकर अली देई के 109 गोल के बराबर के साथ मैच में खेलना शुरू किए थे, लेकिन वो कोई गोल कर नहीं पाए। इससे पहले कभी कोई फुटबॉल में कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाने वाले बेल्जियम का अगला मुकाबला शनिवार को म्यूनिक में इटली में होगा। बेल्जियम की अग्रिम पंक्ति खिलाड़ियों केविन डी ब्रियोन, एडन हजार्ड और रोमेल लुकाकू को भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन थॉर्गन हजार्ड 42वें मिनट के में गोल करने में सफल रहे, जो निर्णायक साबित हुआ और जिससे पुर्तगाल हार गया और बेल्जियम जीत गया। बेल्जियम में दूसरे हाफ में अधिकतर समय डी ब्रियोन को बिना खेलना पड़ा, क्योंकि उनके टखने में चोट लग गई थी। तो इस प्रकार से पुर्तगाल को हरा कर बेल्जियम यूरो क्वार्टर फाइनल के में पहुंच गया। तो देखा आपने ये मैच? चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा।